तो भाई लोग आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड। और भाई पिछली वाली वीडियो में हमारे ऊपर बहुत तगड़ा अटैक हो गया था भाई शेख के बंदों ने, बढ़कर अटैक कर दिया था हमारे ऊपर, लेकिन हम उससे जैसे तैसे बच के भाग गए थे। उसके बाद में हमें आया था भाई एजेंट 47 का कॉल, वो एजेंट 47 ही भेजे थे बंदे, हमें ऐसा बाद में पता लगा। और भाई उसने हमें एक जॉब ऑफर भी दिया था अपने साथ काम करने का, तो हमने जो है उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सही में काफ़ी सही ऑफर था। अभी हम टेक्निकली एक एजेंट हैं, हाँ हमने अभी कोई मिशन नहीं करा, हिट विट नहीं करी, लेकिन हाँ जब भी हमें काम करना हो तो हम भाई एजेंट 47 को फोन कर सकते हैं और भाई वो हमें काम दे देगा। उसके बाद भाई हमें ट्रैवल का भी फोन आया था, उसे जैसे सारी बात का पता लगा तो उसने हमें अपने से मिलने के लिए बुलाया था। तो भाई इस वाली वीडियो में मिलने जाने वाले हैं, और आज की वाली वीडियो में अगर तुम्हें मजा आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ भर के दबा के एकदम, ठीक है, मजा आ जाना चाहिए ऐसा। तो भाई सारी वीडियोज यार देख ले करो, क्योंकि ये सीरीज तो तुम्हारे फेवरेट गेम की है GTA 5, है ना, सैटरडे को वीडियोज आती हैं, देख ले करो भाई सारी वीडियोज, मजा आने वाला है। तो भाई लोग अभी हम ट्रैवल से मिले थे और भाई अभी उसने वापस भेज दिया हमें टैक्सी में बिठा के, टैक्सी में जा रहे हैं हम अभी इस टाइम, क्योंकि गाड़ी वाड़ी का सिस्टम है नहीं हमारे पास। और भाई हम यहाँ पे जैसे आए थे आने जाने का वैसे ट्रैवल ने दिया था, और जैसे हम ट्रैवल के पास आए थे तो वो ये कहता था कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ। तो भाई हमने भी कह दिया था कि हमारे पास जॉब तो है अभी, लेकिन हमारे पास जॉब स्टार्ट तक करने के पैसे नहीं है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम। और भाई इसने कहा था कि वो हमारे रहने का भी हिसाब किताब करवा देगा। रोन एक बंदे को जानता है जो कि एक होटल की कंपनी में जनरल मैनेजर है। फिर भाई ट्रैवल ने हमें रोन का नंबर दिया और रोन ने बताया कि वो बंदा जो है वो लामार है, तो वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, और उसने हमें लामार का नंबर भी दे दिया। और ये भी कह दिया कि इससे बात कर लेना आराम से, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर हमने लामार से बात करी, उसने हमें अभी एक लोकेशन दी है जहाँ पे हम इस टाइम जा रहे हैं, उसने हमारे से कहा कि वो हमारे लिए वेपन्स वगैरह का जुगाड़ कर देगा, कोई टेंशन नहीं है, बस पैसे जो है ट्रैवल दे देगा। साथ ही साथ भाई हमें अभी इनकी बैक स्टोरी का भी पता लगा था। तो भाई सबसे अलग होने के बाद में ये दूसरे देश चला गया था ट्रैवल, और जैसे माइकल एकदम सुधर गया था ना, ये ऐसे ही सुधरा, ठीक है, इसने वेपन्स का धंधा चालू कर दिया और लीगल वेपन भी बेचता था, इलीगल वेपन भी। साथ ही साथ इसने जॉन के तेल के बिजनेस में भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और भाई वैसे तो बंदा इस टाइम पे काफी ज्यादा अमीर हो रखा है, लेकिन यहाँ जब हमने इसे मिलने आया था ना तो भाई टूटी सी कार लेके आया था, क्योंकि ये जो है दूसरे देश से आया था भाई, रॉन की एयर स्ट्रिप पे लैंड हुआ था, जो एयरपोर्ट है वहाँ भी नहीं गया था, अपना प्राइवेट जेट रॉन की एयर स्ट्रिप पे लैंड कराकर वहाँ से एक टूटी सी कार उठा कर रॉन की, और भाई उससे आया था ट्रैवल हमारे से मिलने, क्योंकि भाई ये ज़्यादा किसी की नजर वजों में नहीं आना चाहता था और लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखना चाहता था, इसलिए इसके साथ ना कोई सिक्योरिटी ज़्यादा आई, पीछे पीछे एकदम लाइन वाइन लगा के इसकी सिक्योरिटी जो है आसपास फैली हुई थी आम लोगों के बेस में। वो ये कह रहा था अगर इतना जरूरी नहीं होता तो भाई ये लॉस सैंटोस में आता भी नहीं। साथ ही साथ भाई अभी क्या हमारे से रॉन ने भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखने के लिए मना कर रखी है, क्योंकि रॉन जो है ना वो भाई शेख का डायरेक्ट पार्टनर है, उसके बिजनेस में जो भी तेल दुबई से आता है उसे सारे को US में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम रॉन का ही है भाई, निकाल के तेल और US तो वो भेज देता है शेख, लेकिन US में जहाँ भी जाना होता है वो सारा का सारा रॉन के कंट्रोल में है, रॉन की कंपनी के साथ में टाइप कर रखा है उसने, तो इसलिए भाई इतना डायरेक्ट पार्टनरशिप है। तो इसलिए रॉन ने ये कर रखा कि मेरे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट मत रखना, जो थोड़ी बहुत हेल्प हो, इसलिए भाई उसने हमारे से ज़्यादा बात भी नहीं करी कि कहीं फ़ोन वगैरह ट्रेस ना हो जाए, बस सीधा लामार का नंबर दिया हमारे से, कह दिया कि भाई उससे बात करवा दे की। ठीक है भाई लोग, तो आ गए हम उस लोकेशन पे जहाँ पे लामार ने आने को कही थी, इसी होटल में आने के लिए कही थी लामार ने। और भाई यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी हैं, और यहाँ पे भाई पार्टी वार्टी का इलाका है, सब लोग मस्त पार्टी कर रहे हैं। ठीक है भाई लोग, तभी हमारे से बॉडीगार्ड्स ने कही थी कि लामार जो है नीचे हेलीपैड पे है, तो यहाँ से नीचे जो है हेलीपैड का रास्ता जा रहा है भाई, ये रहा हेलीपैड। ठीक है भाई लोग, तो हमारी अभी लामार से बात हो गई है, वो कह रहा है कि वो जो है अभी ऑफिस जा रहा है, मतलब अभी होटल में आया है, तो जो होटल का ऑफिस है वहाँ पे जाके हमारे से बात करेगा सारी की सारी, जो भी हमें वेपन्स वगैरह देने हैं, और थोड़ा सा कैश भी देगा अगर हमें जरूरत पड़ने गए इनकेस तो, और पेमेंट जो है उसे ट्रैवल ने कर ही दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अंदर मस्त जाके और देख लो होटल कैसा है, क्या सीन है, अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, देख लो कौन सा रूम तुम्हें पसंद है। भाई यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, तो यहाँ पे भाई आ गए किचन में, जितने भी भाई दाल चावल होते हैं, राशन जितना भी होता है महीने का, वो सारा का सारा यहाँ पे रखा जाता है किचन के पीछे। और ये है भाई बार, यहाँ क्या कहते हैं, बार से निकल गए हम, यहाँ पे जैसे किसी को थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह खाने हो, ड्रिंक वगैरह करना हो, उसके लिए ये एंटरटेनमेंट का है पूरा हिसाब किताब, आराम से बैठने के लिए एंजॉय करो, बैठो मस्त, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं। यहाँ पे भाई पूरा ये पूरा का पूरा सिटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया और बार, ठीक है, पार्टी भी कर सकते हैं आराम से। और यहाँ से वापस ही आ गए इसी जगह पे, इस साइड पे लामार का ऑफिस है इस साइड, तो यहाँ बाद में जाएंगे, अभी के लिए ऊपर चलते हैं। तो भाई ऊपर आके एक तो सामने से जीना है, इस पे बाद में जाएंगे, पहले इधर की साइड चलते हैं। तो भाई यहाँ पे वॉशरूम है, ये वॉशरूम के अंदर एक गेट है, यहाँ पे नहाने वाने का सिस्टम है पूरा। भाई यहाँ पे जिम है, ठीक है,
वॉशरूम के बाजू निकल के भाई जिम का जो दूसरा गेट है वो खुलता है यहाँ पे जो है ये पूरा पूल वगैरह का एरिया है। यहाँ पे ये टेबल टेनिस पूल ये सब खेल सकते हैं गेम्स। यहाँ पे भाई क्या कहते हैं बैठने का सिटिंग एरिया भी है थोड़ा सा, अगर किसी को पर्सनल डिनर बुक करना है। ये पूरा का पूरा एक पार्टी एरिया है, उसके पीछे वो जिम है शीशे के पास जो दिख रहा है। इसका एक डोर जो है वो इस साइड में खुलता है, इसके पार हमें जाने के लिए अभी के लिए मना कर रखी है, ठीक है लामा ने। उसने कहा कि ये जो आगे का एरिया है ये किसने बुक कर रखा है तो इसमें हम नहीं जा सकते, ठीक है। वो देखो सामने जो एक गैलरी सी है सामने वाली, उसके पार नहीं हम जा सकते, वो कह रहा है लामा कि किसने बुक कर रखा है। तो वो एरिया जो है उस बंदे ने कह रखा है कि इस एरिया में कोई आए ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है पूरी तरह से। ये चलते हैं अंदर, और ये भाई कपड़े वपड़े धोने का लॉन्ड्री का इलाका है पूरा। ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं इस जिन्ने से, ठीक है भाई। सबसे पहले इस साइड आते हैं, ठीक है। बाथरूम है ये इस कमरे के साथ में, भाई काफ़ी सही है यार, लग्जरी सा होटल है, ठीक है भाई। ये क्या कहते हैं एक रूम है, अगर किसी को बुक बुक करना हो भाई, फुल जितना भी बीच का एरिया है ना सारा दिखता है भाई यहाँ से। भाई कांच भी ऐसा ऐसा नहीं है, बुलेट प्रूफ कांच है, तो अगर किसी के ऊपर कोई अटैम्प्ट भी होता है असैसिनेशन का, कोई हमला हमला होता है तो बच सकता है बंदा। ये रूम अभी बुक नहीं है, और रूम देखते हैं, काफ़ी सारे रूम है क्योंकि इस होटल में, ठीक है भाई। ये एक और रूम है लेकिन ये उससे थोड़ा सा सस्ता वाला रूम है, ये सबसे सस्ता रूम है इस जगह का, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं खाली एक सामने का व्यू मिलता है बीच साइड सी का, और टीवी लगा रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे तो काफ़ी बढ़िया है लेकिन पीछे वाले जितना बढ़िया नहीं है, ठीक है। एक बेड लग रखा है और पर्सनल टॉयलेट भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम सा रूम है, नाइस नाइस भाई। पूरा का पूरा एक ही रूम है, सही है यार, काफ़ी तगड़ा रूम है ये तो। यहाँ पे क्या कहते हैं एक अपना पर्सनल वॉशरूम मिल जाता है, हर पीसी भी लग रखा है एक। और यहाँ से देखो भाई लॉस सैंटोस दिख रहा है यहाँ से पूरा, काफ़ी तगड़ा है ये रूम, ठीक है। यहाँ भाई क्या कहते हैं कपड़े वपड़े अगर पहने हो तो उसके लिए जगह है भाई। ये वाला रूम मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई, बेड भी देखो काफ़ी बड़ा है, पीछे वाले से तो काफ़ी बड़ा है बेड। ये भाई पर्सनल स्पेस है, मतलब जो बालकनी है ना पर्सनल बालकनी है भाई, यहाँ से बालकनी से सीधा देख सकते हैं लॉस सैंटोस को। और यहाँ पे क्या कहते हैं पूल भी देखा है छोटा सा, नहाना वहाना हो तो बैठना हो इसमें, और बालकनी है भाई मस्त बैठने के लिए बात बात करने के लिए। ओ भाई यहाँ तो अलग ही दुनिया है, इतनी पतली सी गली में से निकल के, पे भाई बढ़िया यार। यहाँ पे क्या है, ये सही है कपड़े वपड़े चेंज करने का यहाँ पे है। अबे ये भी फ्री थी, ठीक है भाई। तुम्हें तो पता लगा अभी कि ये रूम तो हम नहीं ले सकते, वैसे है तो ये काफ़ी बढ़िया भाई। ये टॉयलेट मिल रहा है इसके साथ में अटैच वॉशरूम, और भाई बेड भी ये काफ़ी बड़ा है। और लेकिन क्या कहते हैं हमें इनसे दोनों से बात करके पता लगा कि इस रूम को हम नहीं ले सकते, ये जो है ऑफिशियल्स के लिए है, मतलब ये लामा जो है उसका रूम है। उसने कहा कि तुम लामा के पर्सनल गेस्ट थे इसलिए गार्ड ने तुम्हें अंदर भी आने दिया, नहीं तो अंदर भी नहीं आने देता इस जगह के, ठीक है। तो यार रूम काफ़ी तगड़ा है वो, लेकिन उससे शायद छोटा है ये जो उन सबने भी देखा था, ठीक है। ये क्या कहते हैं सिटिंग एरिया है भाई इसी रूम का, अगर भाई लामा को कुछ क्लाइंट्स वगैरह के साथ या किसी के साथ बैठ के बात बात करनी हो तो सिटिंग एरिया है इसी रूम का। और इधर भाई सेम बालकनी मिल जाती है जो दूसरी साइड पे है भाई, भाई भाई मतलब बालकनी सेम है लेकिन लग्जरी के मामले में थोड़ी सी ऊपर है सामने वाले रूम से। लेकिन क्या है भाई ये रिजर्व रूम है तो इसे भाई कोई ले नहीं सकता। और भाई यहाँ पे ये एक और डोर है, इसने कहा कि इस डोर के अंदर हम किसी की परमिशन के बिना नहीं जा सकते, ठीक है। लामा के साथ ही जा सकते हैं हम इस डोर के बाहर, ठीक है भाई। इस साइड पे है लामा का ऑफिस, मैंने बताया था ना बाद में चलेंगे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जा रहे हैं लामा के ऑफिस में। और ये तो बाहर वेटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक अटेंडेंट बैठी हुई है, ये है भाई सिक्योरिटी रूम, यहाँ पे गार्ड जो है पूरे जगह का ध्यान रखता है, अगर कोई इधर उधर कहीं बढ़ने की कोशिश भी करे तो नहीं बढ़ सकता, हम उस गेट के अंदर इसलिए नहीं घुसे क्योंकि भाई यहाँ सीसीटीवी पे फुटेज चलती रहती है पूरे होटल की, ठीक है भाई लोग। तो ये खड़ा सामने लामार, अभी हमारी इससे बात हुई है और ये कह रहा है कि भाई मैं तो तुम्हारे बारे में सुनते ही एकदम ऐसे ही भाग के आ गया, ठीक है। कपड़े वपड़े भी नहीं पाए मैंने ढंग से, जैसे था घर में ऐसे ही उठ के आ गया एकदम से, तुम्हारा सारा का सारा अरेंजमेंट कराने हैं। और भाई ये है लामार का ऑफिस, भाई ये जो कंपनी है जिसका होटल है उसका जनरल मैनेजर है। और भाई जो ऑफिस है वो टॉप वाला रूम है, वो जब ये अनलॉक होते हैं जब ये या फिर बॉस यहाँ पे होते हैं, इसका जो बॉस है वो या फिर ये इनमें से कोई भी यहाँ पे होता है जब वो दोनों रूम अनलॉक होते हैं, बाकी किसी को भाई ऑफिस के अंदर भी आने की परमिशन नहीं है। और भाई हमने इसे बता दिया कि हमें कौन सा वाला रूम चाहिए, तो ये कह रहा है कि ठीक है रूम मिल जाएगा, और
तुम पहले मेरे पीछे आओ वेपन्स वगैरह लेने। ठीक है भाई लोग, तो चलते हैं इसके पीछे। और अभी जो है फेस कैम भी बंद हो गया है भाई, लेकिन वीडियो का जज्बा नहीं रुकना चाहिए, तो वीडियो तो भाई जारी रहेगी। और लामा के पीछे पीछे चलते हैं भाई, लेके जा रहा है हमें कहीं पे वेपन्स वगैरह देने। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम एक वॉल्ट के सामने आ गए हैं, इस बैंक का जहाँ पे भाई सारा का सारा पैसा वैसा होता है। और भाई इसने अनलॉक कर दिया वॉल्ट को और हमारे से कहा कि भाई जो भी तुम्हें चाहिए यहाँ से ले लेना। और भाई काफ़ी तकड़ी वॉल्ट है यार भाई, ऐसा लग रहा है ऐसे बैंक की वॉल्ट हो। एक होटल के अंदर भाई सोना देखो यार कितना यहाँ पे, कहता क्या है यार इसका बॉस भाई, इतना सोना इतनी सारी ईंट। ओ भैया, ओ भाई ये सारे के सारे वेपन्स के क्रेट हैं। इसने कहा कि भाई जोन सी वेपन पसंद आए ले लो उठा लो। ये भाई ड्रग्स है, इसका बॉस भाई ड्रग्स का धंधा करता है, जब भी इसके पास इतना सोना है भाई। यहाँ देखो बॉस की कुर्सी पे कितना सारा पैसा वैसा रखा है। वो भाई यार कुछ ज़्यादा ही मिल है भाई इसका बॉस तो। सही है यार, इसके बॉस के साथ काम करने को मिल जाए तो भी बढ़िया है। मतलब भाई सोना देखो कितना है भाई, दो ये ट्रॉली सी भरी रखी है सोने की। तो भाई लोग इसने हमारे से 7 वेपन उठाने के लिए कही थी लामा ने, और थोड़ा सा कैश भी दिया इसने हमें। वेपन ये उठाए हैं, एक तो भाई पिस्टल, सप्रेस पिस्टल है ये, इसने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए तो मना कर लिया है। ठीक है अभी के लिए इसके साथ में उठाई है हमने ये एक सप्रेस्ड SMG। ये भाई काफ़ी तेज फायर रेट है इसका, साथ धुर करके मारती है बहुत तेज। ठीक है ये है भाई तकड़ी चीज़, ये भाई मशीन गन है। ठीक है काफ़ी तकड़ी है ये, मतलब भाई ऐसे डुअल भी धप 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 करके मारती है बहुत तेज, और एमओ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो अगर इससे किसी को मारा ना किसी हल्के मोटे आर्मर के पीछे हुआ तो नहीं बचने वाला भाई, धक 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 हो जाएगी उसकी। ये भाई बुलपप राइफल है, ये एक असॉल्ट राइफल है, इसकी एमओ भी ठीक ठाक पावरफुल है। इसकी जो SMG है इसका फायर रेट बहुत तेज है, लेकिन इसकी एमओ इतनी तकड़ी नहीं है। ठीक है लेकिन भाई ये है बुलपप राइफल, इसकी भाई एमओ भी ठीक ठाक है, मशीन गन की तरह बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है लेकिन फिर भी एवरेज है भाई। फायर रेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मतलब ये मशीन गन और SMG के बीच की चीज़ है। ये है भाई स्नाइपर, भाई ये काफ़ी तगड़े स्कोप वाली स्नाइपर है, बहुत दूर तक जूम कर सकती है। अभी मेरे पास जूम करने के लिए कुछ है नहीं तो इसलिए मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता इसे टेस्ट करके, लेकिन भाई ये भी एकदम पूरी तरह से सप्रेस्ड है और भाई बहुत दूर तक जूम कर सकती है यार ये, मतलब जहाँ से तुम्हें आंखों से दिखने का भी ना चिट्टी जितनी चीज़ दिखेगी तुम्हें जो, उसे भाई ये एकदम भाई बिल्कुल पास में जाकर जूम कर देगी, इतनी तकड़ी है ये स्नाइपर राइफल। और एक भाई ये होमिंग लॉन्चर है, जो भी हीट सीकिंग मिसाइल होती हैं उन्हें छोड़ता है भाई। अगर कोई हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, प्लेन को तो नहीं खा मार पाता है, लेकिन हाँ हेलीकॉप्टर हो या फिर भाई गाड़ी हो, कुछ भी हो भाई, जिससे भी हीट निकलती है जिस भी चीज़ से, उसी चीज़ को ये डिटेक्ट करके ऐसे टूट टूट करके धप मारता है बहुत भर के। ठीक है अभी काफ़ी तगड़ा वेपन है। और एक हमने लिया है ये भाई तुम्हें लग रहा होगा बेमतलब चक्कू की उठा लिया, ठीक है लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये भी साइलेंट किल्स करने में काफ़ी काम आता है। मतलब मान लो कोई ऐसा डिफेंसेस बंदा है जिसे हम ये चाहते हैं कि शोर ना हो ज़्यादा ठोकने में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है भाई। हिटमैन का धंधा है अपना, तो ऐसे ऐसे किल्स हमें करनी पड़ेंगी भाई। ये इनका लोकल रूम है, ठीक है लामा अभी वहाँ पे बैठ के हिसाब किताब कर रहा है। भाई इस जगह पे आने के ना सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तो नीचे वाला है जो कि इनके लामार के ऑफिस से होकर निकलता है। यहाँ पे लामार के ऑफिस में आना किसी को भी अलाउड नहीं है जब तक लामार या फिर इसका बॉस ना आ जाए, मतलब जो इस होटल का मैनेजर है ना वो भी नहीं आ सकते इस जगह पे लामार के परमिशन के बिना। और एक भाई ये ऊपर का रास्ता है, ठीक है ऊपर का रास्ता जो है ये खुलता है सीधा लामार के रूम में, जो यहाँ पे अंदर रूम में तुम्हें दिखाया था। और ये जो डोर है इसके अंदर हमें जाने के लिए मना भी करा था पहले, क्योंकि भाई जब लामार हमारे साथ नहीं था तो इसमें लामार अगर साथ में हो तो इस डोर के अंदर एंटर कर सकते हैं लामार की परमिशन से, नहीं तो भाई जो पूरी की पूरी सिक्योरिटी है बंदे को ठोकने आ जाएगी, क्योंकि यहाँ साइबर CCTV वगैरह लग रखे हैं। ठीक है भाई लोग, तो अभी क्या कहते हैं हम बाहर को आए हुए हैं, और अभी अभी भाई जस्ट तुरंत ही मेरे पास सिमियोन का फोन आया था, और भाई उसने हमें बताया कि उसके पास एक पुराना सा व्हीकल पड़ा था जिसका भाई कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नंबर नहीं है उसका, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है तो उसे भाई हमारे बारे में याद आ गया था, तो उसे भाई वो व्हीकल मिल गया, और उसने कहा कि वो है तो मिलेगा थोड़ा सा महंगा $10,000 का, क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसके बारे में, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल वो अनोनमस टाइप व्हीकल है। लेकिन भाई उसने कहा कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें भेज सकता हूँ $10,000 में, तो हमने भी कह रहे ठीक है भाई भेज दो, पेमेंट जो है वो ट्रैवल कर देगा वो तुम भेज दो। तो अभी क्या कहते हैं अभी तक हमारा व्हीकल जो है आ गया होगा, और भाई जितनी भी गाड़ी है ना जो तुमने खड़ी देखी थी अभी थोड़ी देर पहले भी, ये सारी की सारी भाई किसी बंदे की नहीं है, सारी की सारी होटल की हैं, और ये गाड़ियों को बंदे सिर्फ यहाँ से होटल से सामने तक जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, यहाँ से ये पूरा जो होटल है ना पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी रोड वगैरह नहीं आती, तो यहाँ से सारी सारी जो ऑफ रोड गाड़ी हैं इन्हें बंदे जो यहाँ पे
आते हैं रेंट पे होटल लेने, वो ले जा सकते हैं पार्किंग तक। पार्किंग जो है इस होटल के नीचे है। तो देखो वो जो सामने जगह दिख रही है, ये देखो ये है भाई पार्किंग होटल की। इनकी पार्किंग जो है होटल वाले रेंट पे ले रखी है, तो बंदे जो है अपनी पर्सनल व्हीकल तो यहीं पे लाके खड़े करते हैं पार्किंग में, और फिर होटल वाले भी गाड़ी से आते हैं यहाँ होटल तक, और जब वापस जाना होता है तो होटल वाले भी गाड़ी ले जाते हैं। और भाई इन गाड़ियों को कहीं पे भी वैसे मतलब होटल से अलग ले जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ पार्किंग तक ही जा सकती हैं सारी की सारी गाड़ी। तो ठीक है भाई, ये सबसे तकड़ा वाला मॉन्स्टर ट्रक लेके चलते हैं पार्किंग तक, ठीक है, मजा आना चाहिए चलाने में। और ये ऐसे पहाड़ों वहाड़ों पर चढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं करने का। देख लो भाई कैसी जगह पे है होटल, यहाँ आसपास क्या दूर दूर तक भी कोई सड़क वड़क नहीं है। लवा ने हमें ऐसे ये कहा कि हमारे पीछे शेख लग रखा है, इसलिए उसने हमें इस होटल में रुकवाया है, क्योंकि ये होटल जो है उसका बॉस भी अपने कुछ जो बहुत ऐसे ट्रस्टवर्दी टाइप बंदे होते हैं उन्हीं को देता है। इसके बॉस ने जो है अपना ड्रग्स का पैसा और ड्रग्स वगैरह छुपाने के लिए इस होटल को बनवाया था, बाकी सारे होटल बिजनेस के लिए, ये वाला होटल जो है ये ड्रग्स और पैसा वैसा छुपाने के लिए था। तो इसलिए यहाँ पे आसपास कोई भी सड़क या रूट नहीं है, और जो पार्किंग है वो भी इन्होंने दूसरे एक बिल्डिंग है उन लोगों से उधार ले रखी है। भाई ये जो सामने ना ये एक SUV है, इसका कंपैरिजन देखो इस मॉन्स्टर ट्रक से, यार जो टायर है ना इस ट्रक का, SUV की छत तक इस ट्रक का टायर आ रहा है। ठीक है भाई, तो हम पहुंच गए हैं पार्किंग में। भाई पार्किंग तो काफ़ी तकड़ी है यार, भाई हाइट देखो है इसकी, टायर की हाइट में हमारी जितनी है, काफ़ी तकड़ी गाड़ी है भाई, मानना पड़ेगा। भाई ये क्या भेजा सिमियोन ने, भाई इस चीज़ के दिए हमने $10,000। यार फ़ोन करते हैं अभी सिमियोन को, क्या बात है भाई, कैसे क्या भेज रखा है ये। तो भाई लोग यार अभी इस टूटे से स्कूटर को ही लेके चलते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इस बेहतरीन से ऑफ रोड व्हीकल को लेके जा ही सकते। और हमने सिमियोन चचा से बात करी थी, सिमियोन ने कहा है कि भाई अभी तो मेरे पास यही व्हीकल है, इससे अलग कुछ नहीं है, और अभी इसे ही चला लो, जैसे मेरे पास कुछ अच्छा आएगा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। ठीक है भाई लोग, तो अभी जो है हमने अपनी स्कूटी को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करा लिया है, और कस्टमाइज़ करा के लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, हमने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, मास्क वगैरह लगा लिया पूरा, और ऐसा पार्टी लुक सा कर लिया, ठीक है, क्योंकि भाई हिटमैन का काम करने जा रहे हैं, तो अगर किसी ने थूत वूत देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमने हेलमेट लगा लिया और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, और भाई अपनी स्कूटी को भी थोड़ा सा कस्टमाइज़ करा लिया। भाई इसमें कुछ और तो खास हो नहीं सकता था, लेकिन हाँ थोड़े से अपग्रेड करा लिया इंजन में, और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करा के कलर चेंज करा लिया। भाई ज़्यादा कुछ उखड़ नहीं सकता था उसके साथ, रहेगी अभी भी स्लो की स्लो, लेकिन अभी ये शायद थोड़ी कम स्लो हो, कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है यार अभी चलते हैं बस। ठीक है भाई लोग, तो हमने एजेंट 47 को फ़ोन कर दिया है, वो भाई इसने हमें कोऑर्डिनेट्स ही दे दिए हैं, तो अभी फटाफट लोकेशन पे पहुंचते हैं। ठीक है, और भाई हमने हेलमेट लगा रखा है अपनी शक्ल छुपाने के लिए, तो लगता तो नहीं कोई आसानी से पहचान पाएगा। बस यार स्कूटी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो अभी क्या कहते हैं पता नहीं भाई कैसे कैसे रहेगी, भागना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है इसके साथ, लेकिन कोई नहीं भाई ट्राई करते हैं फिर भी। ठीक है भाई, हमें एक रशियन इंस्ट्रक्शन आ चुका है, ठीक है व्हीकल रोक के हमें एरिया चेक करना है। भाई रशियन नहीं बोलता है कि एजेंट 47, ठीक है, हमारा टारगेट एक वुमेन है जो कि किसी व्हीकल में है, ऐसा कि हमें एजेंट ने बताया है, और अभी हमें उस व्हीकल का पीछा करना है, बस किसी तेज सी कार में ना हो, नहीं तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है भाई, वो रही लाल मार्कर वाली कार है, ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है इससे, और एकदम से ठोक देना है। ठीक है ठीक है, ओ भाई इसने गाड़ी मोड़ ली यार, गलत जगह पर मारी, ब्रेकर नहीं था यहाँ पे, गड़बड़ हो गई, वो भी भाई गड़बड़ हो गई, भागना पड़ेगा इसके पीछे, यार ये तो गाड़ी भी इसकी काफ़ी ठीक ठाक तेज ही है यार, पहली हिट पे हक दिया। ठीक है भाई, वो हमारे साथ ही पैरल पैरल चल रही है ऊपर, और एकदम से हम उसे सरप्राइज कर देंगे नीचे आते ही। ठीक है ठीक है, ये भाई ओहो नाइस भाई, ठोक दिया हमने अपना पहला टारगेट।
और भाई ये जो हमने SMG ली थी ना सबमशीन गन, इसका फ़ायदा था कि हम इसे चलते चलते भी ठोक सकते हैं बंदों को। ठीक है, हमने भाई फ़ोन कर दिया एजेंट 47 को कि हमने काम कर दिया उसका, और अभी उसने हमें दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए कहा है। ठीक है, इस बार हगने के नहीं, इस बार भाई प्रोफेशनल हिटमैन की तरह साक्षात एजेंट 47 की तरह मारेंगे भाई इस बार। एजेंट 47 भी कहेगा नुका ये मैं हूँ या कोई और है अनजाना मेरे जैसा है, मतलब जो भी है। ठीक है भाई, तो वही सामने वो वुमेन जिसे हमें ठोकना है, स्नाइपर अपने हाथ में, और ये देखो भाई कितनी दूर का चमक रहा है, और अभी मारते हैं इसको पट से हेडशॉट। भाई साहब ये एक और बंदा था भाई, इसे क्या कहते हैं इसके साथ में, इसका तो भाई पूरा सिर फूट गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राउंड्स ले रखे हमने स्नाइपर के। स्नाइपर का यूज़ मैंने तुम्हें करके दिखा दिया भाई कितनी दूर का एकदम क्लियर चमक रहा था, जबकि ये फुल स्कोप था भी नहीं। ठीक है भाई, एजेंट 47 को हमने फ़ोन कर दिया था और अभी उसने हमें एक लोकेशन दी है, चल के देखते हैं क्या सीन है वहाँ। ठीक है भाई, तो अभी कोई बंदा आ रहा है एक गाड़ी में बैठ के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस बार तुम्हें मशीन गन यूज़ करके दिखाता हूँ। पित्तल साहब भद ही कतई उस ट्रक के आसपास ही है शायद कहीं, और भाई ठोक दिया। ओ भाई साहब ये होती है भाई मशीन गन की पावर, वो भाई मुंडी उड़ा दी इसकी, तो इतनी सारी गोली मारी मुंडी उड़ गई भाई इस बंदे की, गायब होगी मुंडी। मुझे तो लगता नहीं वैसे भी कोई बंदा हमें ज़्यादा बोलने वाला है कि कोई मर मुड़ा गया इतनी तगड़ी मशीन गन देख के। और इस बार भाई मैं तुम्हें पिस्टल यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि पिस्टल भी हम गाड़ी के ऊपर चलते चलते यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सरप्राइज पिस्टल है ये भाई, एकदम परफेक्ट टारगेट है बाइक। ठीक है, हेडशॉट देना है मुझे इसे, ये लगा भाई। ओ गड़बड़ हो गई, भाई इसके पीछे वाला बंदा ठोक दिया था मैंने, और ये अब ठूका। ठीक है भाई, एकदम सरप्राइज पिस्टल से भाई ठोक के हम इसे और भाग जाते हैं यहाँ से पहली फुर्सत में। ओ भाई इसके बंदे तो ऐसे ही हमला करने लग गए, तो थम जाओ यार, अभी क्या कहते हैं ना बुलबुल से मार के दिखा मारता हूँ भाई, हेडशॉट ही दिया। ओ भाई अब बुलपप का फायर रेट काफ़ी सही है। ठीक है, लेकिन भाई हमें अपने टारगेट को ठोकना है अभी, और ये भाई टारगेट, और भाई हेडशॉट भाई काफ़ी तगड़ी है बुलपप तो, यार रिकॉइल भी नहीं है इसमें इतनी ज़्यादा बाकी गन्स की कंपैरिजन में। तो भाई लोग अभी मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ चलता चलता टारगेट के खोज में, और यार इस बार तो काफ़ी ज़्यादा दूर का टारगेट मिला है। ठीक है भाई लोग, तो इस इलाके में मुझे पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा सा, भाई यहाँ पे स्कूटी बिल्कुल नहीं चढ़ के दे रही, मैं पैदल चढ़ पा रहा हूँ लेकिन स्कूटी नहीं चढ़ रही, इतनी घटिया चीज़ दी है उस सिमियोन ने। ठीक है भाई, वो रहा बंदा, अब मैं चाहूँ तो उसे स्नाइपर से मार दूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्कूटी अपनी खड़ी करता हूँ। ठीक है भाई, चक्कू लेता हूँ, चक्कू का डेमो नहीं दिखाया ना मैंने अभी तक तुम्हें, उसके पास जाके मारूंगा। ठीक है, ये क्या भाई एकदम ही स्टेल्थी किल करने के लिए है, किसी को बताना लगा जाके खचाखच कर दो। ठीक है, जैसे हम इसके काफ़ी पास पहुंच गए अभी, और भाग के ये घुसा दिया। ठीक है भाई, मार दिया चक्को, भाग जाओ यहाँ से। एक काम करता हूँ इस छत के ऊपर से होके, यस स्टंट गाइस स्टंट GTA 5 स्टंट। ठीक है, ये लकड़ी के ऊपर से होके, ओ भाई 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 अभी निकल जाते हैं यहाँ से हाईवे हाईवे होके। गाइस ठग लाइफ GTA 5 स्टंट हैशटैग लगा के वो भी। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमें एक बंदे को ठोकना है, और अभी मैं करने वाला हूँ एक बड़ा धमाका। भाई मैंने तुम्हें वो ही दिखाया ना होमिंग लॉन्चर जो हीट सीकिंग मिसाइल होती है, अभी तुम्हें पता लगेगा क्या खतरनाक चीज़ है वो। ठीक है, इस बंदे को मैं ठोकने वाला हूँ उसका यूज़ करके। अब एक काम करता हूँ मैं भाई, बीच चौराहे पे ठोकेंगे अच्छे से। ये निकाला भाई होमिंग लॉन्चर, और इस पर कर लिया इसे डिटेक्ट। अब मैं अभी नहीं मारने का, नहीं तो भाई और अब मारूंगा। ये देखो भाई साहब धुआं धुआं हो गया भाई जरा सी देर में। ये है भाई होमिंग लॉन्चर, मैंने इसे पास जब था जब इसलिए नहीं मारा
क्योंकि बड़ा भर के फटता। देखो अभी भी धुआं है यार उस जगह पे भाई, पीछे भाग के मारती है मिसाइल। ऐसा नहीं है अगर कोई आजू बाजू हो जाए तो बच जाएगा भाई, पीछे जाके मारेगी। तो भाई लोग अपना अगला टारगेट है वो बंदा जो उस गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे पीछे लगाते हैं। अभी इस बंदे के सामने लगाता हूँ, पिस्टल निकाल ली, पट से हेडशॉट। नहीं मैं इतना ही फास्ट नहीं था। ओ भाई इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल किल। भागो भागो, वो तो मर गया भाई, खतरनाक एक्सीडेंटल किल करी, मतलब गोली चला के और दूसरी गाड़ी घुसवा दी उसमें, वो भाई वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी उसके बंदे वहाँ पीछे पड़ रखे हैं और अपनी एक तरह से जान से बन रखी है, तो इधर की तरह से निकल के भागता हूँ मैं। ये भाई वो बंदे आगे निकल गए और मैं उल्टा चल दिया। तो भाई लोग यार अभी क्या कहते हैं, हमने एजेंट से कह दिया कि हम आज के लिए बस इतने मिशन करने वाले हैं, वो ज़्यादा मिशन नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अभी ये जो बंदा था ये थोड़ा सा VIP टाइप बंदा था, ठीक है, और इसके साथ सिक्योरिटी थी और वो हमारे पीछे पड़ गई थी। तो हमने जैसे तैसे अभी के लिए तो अपना पीछे छुड़ा लिया इससे, घास वास में भग के कैसे कैसे करके, लेकिन यार अभी हमें लगता नहीं कि इस बाइक से हम अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। तो भाई बाइक क्या है, स्कूटी है, टूटी सी, इसकी टॉप स्पीड ही 106 जाती है, वो भी 3 घंटे भगाने के बाद। वो भाई जो बंदे होते हैं उनकी गाड़ी 150 जाती है, वो भी 2 सेकंड में। तो इसलिए हमने भाई सिमियन को फ़ोन करा था अभी कि भैया देख ले कुछ और जुगाड़ वुगाड़ हो सकता हो तो बता दे। तो उसने कही है कि हाँ अभी अभी मुझे एक न्यूज़ मिली है, एक बंदा है मेरा जानने वाला, वो मेरे लिए काम करता है और उसने KTM 1290 ड्यूक चुराई है, और मैंने उससे कहा है कि तुम्हारे होटल की पार्किंग में पहुँचे सीधा, वहाँ पर जाकर डिलीवर कर दे उसे, और पैसे जो है तुम मुझे दे देना, वो जल्दी अपने होटल की पार्किंग में पहुँचो। तो अभी क्या है, हम अभी होटल जा रहे हैं अपने, तो वहाँ पे पार्किंग में पहुँच के देखते हैं कि अभी तक डिलीवरी आई है नहीं आई, क्या बात हुई है। भाई हम कोई भी गाड़ी खरीद के यूज़ कर नहीं सकते, मतलब वैसे रजिस्ट्रेशन के साथ हमें सारी चुरी हुई गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जो खरीदी हुई गाड़ी होती है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस प्लेट सब कुछ होता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो उसका यूज़ करके हम कोई ऐसा कांड वांड नहीं कर सकते। हमें कोई भाई ऐसी चुरी हुई बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चाहिएगी। वो भाई वो 1290 ड्यूक के भी काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहा है, लेकिन यार अभी के लिए जब वो हमें ऐसी चीज़ दे रहा है तो पे तो करना पड़ेगा उसे। तो भाई लोग आ गए हम पार्किंग में, और ये तो अपनी स्कूटी है, और ये भाई अपनी KTM 1290 ड्यूक भी डिलीवर हो गई, एकदम नेक्स्ट लेवल हो भाई। वो बंदा चला गया यहाँ से डिलीवरी दे के, और हम एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं यार, यहाँ से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, लेट्स गो। ठीक है अभी भाई मैं पूरा सड़क पे ध्यान दे रहा हूँ, तो इससे टॉप स्पीड मैं बोल नहीं पाने का, लेकिन देख लेना, ठीक है, आ रही है स्क्रीन पे, और नहीं नहीं हल्की सी कम हुई होगी यहाँ पे स्पीड। ठीक है भाई व्हीली देखो एक बार, इसकी व्हीली क्या मस्त लगती है यह बाइक, और ये देखो भाई साहब कहते ही ऐसा लगा था पिछवाड़ा रगड़ा जाएगा आज। तो भाई व्हीली स्टॉपिंग कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट करी व्हीली से और थोड़ी सी चलाई और रोक की स्टॉप ही पे, ठीक है। तो यार इस वाली बाइक को अगली वाली वीडियो में यूज़ करेंगे अपने मिशन करने के लिए, ठीक है, अभी के लिए इसे पार्क कर देते हैं अपनी स्कूटी के बाजू में। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही। भाई बीच में फेस कैम भी चला गया था वीडियो में से, क्योंकि मैं फ़ोन से फेस कैम रिकॉर्ड करता हूँ और फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, मुझे नहीं पता है स्मार्ट आइडिया था नहीं, क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है लेकिन बैटरी की बड़ी टेंशन रहती है, ऊपर से कनेक्शन की भी, क्योंकि वो जो नॉर्मल कैमरा होता है आराम से कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन में बड़ी दिक्कत है भाई। लेकिन खैर जो भी है मुझे लगता है कि भाई फेस कैम के बिना भी तो मज़ा आया होगा, है ना, वीडियो में। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में सही में मज़ा आया तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एकदम भाई को जाना चाहिए, और मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वीडियो बनाने में, और यार मेहनत भी काफ़ी लगती है, खैर तो उस मेहनत के लिए कर दिया करो थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो हर बाकी तरह मिलते हैं अगले सैटरडे अगली वीडियो में, और शॉर्ट्स भी आएंगी पूरे हफ्ते, तो उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना है ना भाई, रात के 2 बज रहे हैं यार इस टाइम, तो थोड़ी सी तो है ना दिखाओ सपोर्ट।